इस जगह का मैप है ये, संत हैंस छाओ इसका नाम है। और ये इसमें एक पत्थरों से डिज़ाइन उन्होंने बनाया हुआ है, ये आर्किटेक्ट का। इसमें देखें, इसने सारे पत्थर लेके एक मुनफरद डिज़ाइन बनाया हुआ है यहाँ पे। ये इसको इस तरह यहाँ पे भी सारा ये पत्थर से, और इसके दरमियान पानी भी बहता है। अभी पानी रुका हुआ है, जब पानी बहेगा तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। अब चूंकि समर टाइम नहीं है, या ये इसके कुछ आवर्स होते हैं उसमें ये पानी बहता है यहाँ पे। ये यहाँ पे पौधे भी इन्होंने बनाए हुए हैं रेस्टोरेंट के बाहर, और ये इस तरह छतियाँ बनाई हुई हैं, और ये जब बारिश होती है तो ये खुल जाती हैं, इनको खोल लेते हैं। साथ ये लाइट्स भी हैं, अगर कम रोशनी हो, चूँकि ज़ाहिर है बादल यहाँ पे रहते हैं सारा साल ही, और ये फिर उनको खोल देते हैं यहाँ पे। और इसमें लाइट्स के यहाँ पे वायर्स लगे हुए हैं सारे, इसका पूरा सिस्टम है। और उसके बाद ये इनकी कुर्सियाँ हैं यहाँ पे, चेयर्स, ये इनको जो है यहाँ पे टेबल भी हैं, ये फिर इनको जो है सेट कर देते हैं यहाँ पे। ये सामने रेस्टोरेंट है, अब बंद है। और साइकिलें हर जगह यहाँ पे खड़ी होती हैं, लोग यहाँ पे साइकिलें अपनी पार्क करके तो नज़दीक चले जाते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। आपको तकरीबन हर जगह यहाँ पे साइकिलें मिलेंगी। और ये डस्टबिन भी यहाँ पे बनाए हुए हैं, और यहाँ पे इस तरफ भी एक डस्टबिन बनाया हुआ है, और ये पूरा इसका डिज़ाइन है। ये बहुत पुरानी सी बिल्डिंग भी यहाँ पे, ये देखें बहुत पुराने सा ये यहाँ बनाया हुआ है इन्होंने। पहले वक्तों में ऐसे होता था कि यहाँ ऊपर घड़ी भी लगी हुई है, कि यहाँ पे गार्ड हुआ करते थे तो वो यहाँ पे बैठा करते थे, अब नहीं है। लेकिन ये पुरानी चीज़ें उन्होंने ख़त्म नहीं की, मॉडर्न दौर हो के भी है। वहाँ पे देखें डिज़ाइन भी बना हुआ ऊपर, हालांकि इनका मॉडर्न हो गए हैं सब कुछ, अंदर सारी जदीद सहूलतें हैं, लेकिन ये कि इन्होंने उसको बिल्डिंग्स को ख़त्म नहीं किया। प्लेनचायम इस बिल्डिंग को कहते हैं, और इसमें साइंस फिक्शन फिल्में या साइंस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो फिल्में होती हैं वो यहाँ पे दिखाई जाती हैं, और मुख्तलिफ नई रिसर्च की जो फिल्में हैं वो भी यहाँ पे दिखाई जाती हैं। ये इसका यहाँ पे ये एडवर्टाइज का लगा हुआ स्क्रीन, इसमें भी आप देख सकते हैं। ये इन्होंने मुख्तलिफ जो रिसर्च होती है सारी साइंस के मुतालिक, अर्थ है, मून है, और प्लैनेट्स हैं, और दुनिया की जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव और साइंस से मुतालिक फिल्में यहाँ पे दिखाई जाती हैं। और पूरा अंदर हाल बना हुआ है, और 3D उसमें फिल्में भी आती हैं, और उसमें मुख्तलिफ किस्म की फिल्में आती हैं। तो उसकी बिल्डिंग भी दूसरी साइड से दिखाता हूँ थोड़ा इसका, आप यहाँ पे ये स्क्रीन में इंफॉर्मेशन स्क्रीन देख लें, इसमें जो इंफॉर्मेशन बताया हुआ है यहाँ पे। योन हिस्टोरिया यानी दुनिया की ज़मीनी हकायक, और ये प्लान छायम इसका नाम आ गया है यहाँ पे लिखा हुआ है। इस साइड से भी ये देखें इसका, ये पूरी बिल्डिंग है उसके अंदर, और यहाँ पे इसके अंदर जो है, मैंने भी यहाँ पे साइंस फिक्शन की फिल्में देखी हैं इंफॉर्मेशन के मुताबिक, तो अंदर से इसका बहुत ही अच्छा खूबसूरत हाल बना हुआ है। अब बंद है, नहीं तो मैं अंदर से भी आपको इसका दिखाता। और ये तिरछा बना हुआ है हाल, इसमें
यानी जहाँ भी सड़कें बनी होंगी उनके साइड्स में ये सड़क ये साइकिल के लिए होगी, ये साइकिल की सड़क ऐसे बनी होती है, ये सिर्फ साइकिल के लिए मखसूस है और दूसरी तरफ वो गाड़ियाँ जो हैं वो चलती हैं। और दूसरी साइड पे भी इसी तरह है साइकिल का ट्रैक, वो साइकिल चला भी रहे हैं लोग। और ये दूसरी साइड पे ये गाड़ियों के लिए बना हुआ है, यहाँ पे आप रेंट में ले सकते हैं। यूरोप के किसी भी शहर में आपने जाना है वहाँ आप यहाँ से बिल्कुल न्यू ब्रांड गाड़ियाँ यहाँ ले सकते हैं। उसका ये है कि आपको उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होती है और अपना लाइसेंस जो है वो भी रिकवर कराना होता है। ये सामने फोकम का एक बहुत बड़ा सा हॉल बना हुआ है, यहाँ पे एग्जीबिशन होती हैं। ये यहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो भी बना हुआ है। इस हॉल के अंदर मुख्तलिफ सेमिनार होते हैं और भी कई प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे। ये फोरम का जो हॉल आपको बताया था ये उसकी दूसरी साइड है। यहाँ पहले डेनमार्क का रेडियो स्टेशन हुआ करता था, अब वो शहर से बाहर चला गया और ये सिटी के अंदर है। फोकम का इलाका है, ये फोकम वाला आपको सामने बताया था, ये उसके सामने है। यहाँ पे पहले रेडियो स्टेशन हुआ करता था, अब वो शहर से बाहर मुंतकिल हो गया। ये इसकी बिल्डिंग है। अब यहाँ पे म्यूज़िक एकेडमी यहाँ पे बनी हुई है, उसका ऑफिसेस है यहाँ पे। और ये फोरम का आपको बताया था हॉल, ये फोरम के हॉल की दूसरी साइड है। यहाँ पे ये मुख्तलिफ इन्होंने आर्किटेक्ट के नमूने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये डिज़ाइन है इनका, आर्किटेक्ट डिज़ाइन यहाँ पे किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे बने हुए। और ये इसके अंडरग्राउंड मेट्रो बनी हुई है, ये उसके सारे ये ग्लास बने हुए हैं कि ताकि अंदर उसके ना रोशनी जा सके। और ये आपको बताया था पहले भी, ये इलेक्ट्रिक की साइकिलें यहाँ के उनके स्टैंड बने हुए हैं, वहाँ दूसरी प्राइवेट साइकिलों के स्टैंड बने हुए हैं, ये इलेक्ट्रिक के हैं, ये सारे इलेक्ट्रिक के साइकिलें जो हैं उनके स्टैंड हैं। और ये इलेक्ट्रिक की साइकिलें पीछे बैटरी लगी हुई है उसके,